नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर थाना नवाबगंज पुलिस व एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। थाना नवाबगंज पुलिस व एसओजी टीम द्वारा चेकिंग दबिश में अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों एवं तस्कर गिरोह का किया बड़ा खुलासा। सिंचाई विभाग एवं निर्माणधीन गेस्ट हाउस बिगुल रोड गंगा बैराजपुर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए वाहनों चोरों ने रखा था। ये वाहन चोर विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए वाहनों को नेपाल ले जाकर बेचते थे। पुलिस व एसओजी टीम द्वारा दबिश के दौरान चोरी किए गए 5 मोटरसाइकिल, 1 कार, 1 किलो अवैध मादक पदार्थ चरस व 2 किलो गांजा, 1 अवैध असलहा व कारतूस बरामद कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। राजगौर पुत्र राम नारायण दर्शन पुरवा थाना फजलगंज कानपुर नगर, उम्र 35 वर्ष। आयुष सिंह उर्फ हर्षित सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ओम नगर दर्शन पुरवा थाना फजलगंज कानपुर नगर, उम्र 20 वर्ष। राहुल वर्मा उर्फ अमन पुत्र विजय बहादुर वर्मा दर्शन पुरवा थाना फजलगंज कानपुर नगर, उम्र 25 वर्ष और शान अली को गिरफ्तार किया। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग लगभग 5 लोग हैं। इनके पास से हमें 5 मोटरसाइकिल दो पहिया और 1 ईको 4 पहिया कार बरामद हुई है। इनके पास से हमें एक देसी तमंचा और 315 बोरका और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ इनके पास से 1 किलो चरस और 2 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। मोटर्स ऑपरेटिव इनका ये है कि ये कानपुर और आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और तत्काल 24 घंटे के भीतर उसको नेपाल बॉर्डर में जाके बेच आते हैं। वहाँ इनको ठीक ठाक दाम मिल जाता है और ये इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि आसपास के जनपदों से और कानपुर से लगभग इन्होंने 100 से अधिक बाइक जाके बेचती है।